नमस्कार, मेरा नाम निशी है। मैं दिल्ली गेट SPYM सेंटर में एज अ काउंसलर काम करती हूँ। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 18 साल से कम उम्र के नशे से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। हमारे पास जो भी बच्चा आता है वो CWC के रेफरल से ही आता है, डायरेक्ट कोई बच्चा हमारे पास नहीं आता। यदि हम लोग बच्चों की बात करें तो हमारे पास जो बच्चा विभिन्न प्रकार के नशों की लत से रूबरू है, उन बच्चों की सहायता के लिए हम लोग काम करते हैं। यदि हम लोग सारे बच्चों की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी बीती ज़िंदगी के साथ अपना सुधार करना चाहते हैं। सभी बच्चों में से हम एक बच्चे की यदि बात करें तो एक बच्चे की हम लोग कहानी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कारण था नशा लेने का, किस कारण से उन्होंने नशा लिया, पारिवारिक आर्थिक स्थिति से तो कोई परेशानी नहीं थी, परिवार में कौन कौन था, क्या उनका कारण था यहाँ तक का सफ़र तय करने का, नशा लेने का, उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम, मैं पहाड़गंज मोटेखान में रहता हूँ। मेरा बियाणी गांव है, मैं वहाँ पे पहले पढ़ता था स्कूल में, सरकारी स्कूल में। वहाँ पे मैं अपने चाचा की लड़की की शादी हो रही थी, मैं शादी में थोड़ी मदद कर रहा था। मैं तो मेरे बुआ के लड़के, तो वो मेरे को भगा के ले आए थे यहाँ पे दिल्ली में। यहाँ के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था कि मेरे को तुगलकाबाद स्टेशन पे लेके गए। वहाँ पे मेरे को उन्होंने ट्यूब सुंघाई, मेरे को चक्कर आ गए थे, मैं गिर गया था। तीसरी क्लास तक पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद नशा करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। पहले नशा में सोल्यूशन पीता था वहाँ पे तुगलकाबाद स्टेशन पे, वहीं सिलमावल के पास। मैं जेबें काटता था, जेबें काट के मैं सोल्यूशन खरीदता था अस्सी की, वहीं से ट्यूब लेके वहीं पर सूंघता रहता था, वहीं पर सोता था मैं रात में। मेरी बहन बड़ी वाली, उसकी शादी हो गई थी गंगानगर में, वहाँ पे मैं रहता था बहन के साथ ससुराल में। वहाँ पे भी नशा करने लग गया था बीड़ी सिगरेट का, तो वहाँ पे भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो मेरी बहन ने मेरे को यहाँ भेज दिया था दिल्ली में। तो यहाँ पे फिर मैं वो तगड़ा नशा सीख गया था, स्मैक पीना सीख गया था, गांजा वांजा ये सब सीख गया था, दारू वारू पीने लग गया था बहुत। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे दिल्ली गेट में डलवा दिया था, फिर यहाँ से मैं सुधार कर लेके गया बाहर। तो फिर मैंने एक दो दिन सही रहा था, फिर मैं वहाँ निजामुद्दीन स्टेशन गया। बार बार उधर की याद आती रहती है मेरे को। कोई रहता है वहाँ पे? नहीं रहता तो कोई नहीं है वहाँ पे। ये सात आठ साल रहा हूँ ना वहाँ पे मैं, वहीं पे इतना छोटा गया था वहाँ पे, वहाँ से इतना बड़ा हो गया मैं, वहीं पे बड़ा हो गया खेलते खेलते। वहाँ पे मैं नशा करने लग गया फिर दोबारे, फिर मैं जेबें काटने लग गया, किसी के फ़ोन छीन के भग जाता था, किसी का मार वार के चक्कू छीन लेता था मैं पैसे वैसे पुरस पुरस। एक बार ही मेरा यहाँ सेवन नगर कोटला में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे को वही दिमाग मारा था कि मैंने जेब काटी किसी की, किसी गरीब की जेब काट ली, उसके वो कहीं जा रहा होगा, उसके माँ बाप बीमार होंगे, उसका कोई मर गया होगा। तो मेरे को कुछ पता नहीं था, तो उसी की मेरे को आय लग गई होगी, मेरे को ये लगा था। मेरे को उसी के चक्कर में मेरा हाथ फट गया था, मेरे को टाके आए, फिर ये निशान उसी की वजह से पड़ गया। निजामुद्दीन स्टेशन पे जेब काट रहा था, मेरे को एक GRP वाले ने पकड़ लिया, मेरे को बहुत मारा भी, फिर समझाया कि इतना नशा मत करेगा नहीं मर जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को इस होम में डाल दिया दोबारे, फिर यहाँ से दोबारे गया मैं, फिर तभी भी नहीं समझा, फिर दोबारे नशा करने लग गया। फिर इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया, इंजेक्शन मैंने बारापुला में लगाना सीखा था। इंजेक्शन लगाते लगाते मेरे को पता नहीं चला कि मेरे को HIV हो जाएगी, मेरे को ये बीमारी हो गई HIV की। अब मेरे को ये भी नहीं पता था कि इससे होता क्या, ये कितनी खतरनाक बीमारी है, मेरे साथ क्या बुरा कर सकती है। मेरे को नशे में इतनी लत लग गई, मेरे को पता नहीं चला कि मेरे को बीमारी हो जाएगी। मैं मजे मजे में नशे करने लग गया। और अब जब मैं यहाँ पे दिल्ली के SPYM सेंटर में, तब मेरे को पता चला कि हाँ मेरे को एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैंने नशा करा तो मैं बचूंगा नहीं। फिर इस बीमारी से मैं बहुत परेशान हूँ, अपने आप को मारने का भी मन करता है, घर वालों से गुस्सा रहता हूँ। घर वाले बहुत समझाते, बहन और मम्मी समझाती है कि नशा मत करेगा। पहले मैं बीड़ी का ही नशा करता था, वो तो ट्यूब का नशा, स्मैक का नशा, मैं उधर ये जो बच्चे पीते हैं ना बड़े बड़े, उनके साथ ही सीख गया था मैं। बीमारी लगने के बाद पता चल रहा कि ये चीज़ गलत है, ये करना नहीं चाहिए, ये करूँगा तो मैं बचूँगा कैसे, एक साल भी जिंदा नहीं रहूँगा। पापा मम्मी सही ख्याल रखते थे, मम्मी चौकीदार का काम करती हैं,
वो शाम को आती है छुट्टी पे, 5-5 बजे छुट्टी होती है, वो घर पे आती है, खाना वाना बनाती है, फिर हमें खिलाती हैं, फिर वो सोती हैं, फिर सुबह 10 बजे उठ के काम पे जाती हैं। पापा की दो टीवी की दुकान थी, वो पहले टीवी की दुकान संभालते थे, उनको बहुत अच्छा काम आता था पूरा, टीवी का भी, डेक का भी, कंप्यूटर वम्प्यूटर का सब काम आता था। मम्मी को देख देख के सीख गया था कि डेक ऐसे सही करते, टीवी ऐसे सही करते हैं, पापा ने सिखाया था। फिर पापा पता नहीं कैसे नशे में पड़ गए अचानक से। पापा थे जो मेरे दारू पीते थे, मैं उनको बहुत मना करता था, पापा दारू मत पिया करो, इससे नुकसान होगा आपको। पापा बोलते थे तू भी तो नशा करता, देखो इतना समझाते तू मानता है नहीं। 2 साल हुए पापा को मरे हुए, उनका एकदम से पेट फूल गया था दारू पीते पीते। उन्होंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया था कि मेरे कौन सी बीमारी लग गई, क्या होने वाला, उन्होंने ख्याल ही नहीं करा। उन्होंने मजे मजे में पीते रहे पीते रहे, फिर वो भी मर गए। उस टाइम छोटा भाई था वो जिंदा था, वो भी अभी ख़त्म हुआ 1 साल हुआ उसे, वो जल के मर गया था ठंडी के टाइम, हाथ आग में गिर गया था चलते हुए तसले में, तो वो भी मर गया। अब मैं ही बचा हूँ बस लास्ट अपनी बहन का एक लौता भाई। मैं दिल्ली के SPVM सेंटर में आया, सबसे मेरे को राजवीर सर जब डांस सिखाते थे वो अच्छा लगता है, मेरे को योगा वोगा सिखाते वो अच्छा लगता है, टाइम टेबल से खाना पीना मिलता है वो अच्छा लगता है, टाइम से TV दिखाते हैं, सुबह सुबह नाश्ता करवाते हैं, फिर 8 बजे और चाय आती है, फिर चाय पी के एक एक करके बाथरूम जाते हैं, फिर बैठ के TV देखते हैं आराम से, वो अच्छा लगता है। बस हिंदी होती है, मैथ होती है, क्या बोलते हैं पाड़े वाड़े, ये जोड़ घटा ये सब होते हैं, गिनती विनती होती है, ABCD और कंप्यूटर क्लास है यहाँ पे, कंप्यूटर सिखाते हैं, ये ड्रॉइंग व्रेंग बनाना सिखाते हैं कंप्यूटर में, पढ़ाई सिखाते हैं कि ये ऐसे चलता है वैसे चलता है। अब मैंने ये सोचा बाहर जाऊँगा नशा छोड़ूंगा तो अपनी खुद की TV की दुकान खोलूँगा, पापा के जैसे बनूँगा। पापा जैसे TV बना के बेचते थे, बड़ा बड़ा ऐसे बेचूँगा TV बना बना के बाहर से सामान ला के, अपनी खुद की TV की दुकान खोलूँगा। मेरी मम्मी को भी लगे हाँ भाई मेरा बेटा कोई अच्छा काम कर रहा। जैसा कि अभी आपने जाना बच्चे का क्या कारण था नशा लेने का, यदि हम लोग बच्चे की कहानी की बात करें तो एक पारिवारिक गैप मिलता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया बच्चे को। बच्चा अपने मन की बातें शेयर करना चाहता था लेकिन ना चाहते हुए भी उसका पारिवारिक जो भी माहौल रहा उसने वो बातें बाहर दोस्तों से शेयर करना जरूरी समझा, जिस कारण उसको फ्रेंड सर्कल से इन्फ्लुएंस मिला नशा करने का। वो दोस्तों ने उसको भड़काया या जो भी उसका कारण रहा नशा करने का। एक अच्छे परिवार से बच्चा बिलोंग करता है, पापा भी वर्किंग थे जब पापा जीवित थे, माता भी वर्किंग है, बहन की भी शादी हुई है वो भी अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन ना चाहते हुए फिर भी बच्चा नशे की ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया। ऐसे बच्चों की यदि हम बात करें तो एक सामाजिक रूप से जब तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती, वो बच्चा किसी बाहर के जरिए से अपनी दुनिया को नहीं देख पाता, वो बच्चा ना चाहते हुए भी नशे की तरफ बढ़ता जाता है। इसी नशे के कारण बच्चा एक बड़ी बीमारी का भी शिकार रहा है। भविष्य में हम चाहते हैं बच्चा अपना खुशहाल जीवन जिए, बच्चा जो भी अपने जीवन में सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहता है बच्चे को वो हासिल हो, बच्चे से जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई हैं वो आगे ना दोहराए, क्योंकि पुरानी गलतियों से बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। बच्चे का एक ज़रिया अलग है, जैसे कि अभी बताया बच्चा एक बड़ी बीमारी का शिकार है, इसलिए बच्चे को अपनी पुरानी गलतियाँ सुधारने का एक मौका दिया जाए। सामाजिक रूप से यदि बात किया जाए तो अब उसके पिता नहीं है, माता है, माता भी वर्किंग है, बहन की शादी हो गई है, भाई भी इस दुनिया में अब नहीं रहा है, तो इसलिए समाज से यह उम्मीद करते हैं कि उस बच्चे के जो भी आस पड़ोस के हैं माता वर्किंग के लिए जाएगी तो बच्चे का एक मुख्य रूप से एक पारिवारिक रूप की तरह ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चा जिन गलतियों से पराजित हुआ है वो उसको दोहराने का मौका ना मिले। अभी आपने जैसे इस बच्चे की कहानी सुनी, इसी तरीके से हम आपके सामने और भी बच्चों की कहानियों से रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि समाज को भी पता लगे कोई भी बच्चा नशे में अपनी खुशी से नहीं आता है, क्या कारण है बच्चा का नशा लेने का। कहीं ना कहीं परिवार भी उस चीज़ में कुछ परसेंट योगदान देता है, बच्चे को जो
खुशी जो एक अपनापन परिवार से मिलना चाहिए वो परिवार से ना मिलने के कारण बच्चा बाहर अपने फ्रेंड्स में वो चीज़ ढूंढता है। यही कारण बच्चे को सेम एज ग्रुप के जो चीज़ उनको सही लगता है वो करने पे कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं। हम लोग आपके साथ और भी बहुत सारे बच्चों की कहानियों के एपिसोड लेकर आपके साथ आगे भविष्य में जुड़े रहेंगे।